मॉर्निंग, शुभ प्रभात। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं और 7 बजे हम लोग वृंदावन से खाटू श्याम की ओर निकल पड़े हैं। यहाँ देखो, मानव ने अपना फीडर ले लिया है और हमने भी ब्रेकफास्ट किया है, हल्का फुल्का किया है। मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं उस टाइम सोई थी। रूम के अंदर ही चाय बनाया हम लोगों ने। तो अभी ना हम लोग वृंदावन से निकले नहीं हैं, अभी हम निकलने वाले हैं वृंदावन से। वृंदावन में हर एक दीवार में ना काफ़ी सुंदर सुंदर ड्राइंग बनी हुई है, बहुत अच्छा लगता है। और ये ना मुझे लग रहा है एक ताजमहल टाइप का कुछ बना है। अब ये क्या है मुझे नहीं पता, बस आप लोगों को दिखा दिया है। और ये काफ़ी सुंदर सा एक गेट है, बहुत प्यारा लगा। तो अभी मैं पहुँच गए हैं और देखते हैं। हाँ, भरतपुर में तो अभी तक पहुँचे नहीं है और काफ़ी सुंदर जगह है, मतलब बहुत यूनिक यूनिक चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, पहले कभी देखा नहीं है। सब चीज़ें दिखाती हूँ, ये देखो, बहुत यूनिक यूनिक चीज़ें देखने के लिए मिलता है। और ये देखो, ये अभी बैठ बैठ के फ्रूटी पी रहा है। तो माधव ना फ्रूटी पी रहा है, हम लोग ना घर से लेके आए थे, मतलब हमारे एरिया से लेके आए थे फ्रूटी, तो वही पी रहा है। और यहाँ पे हम लोग सोचे थे कि मिले कि ना मिले रोड में, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही सामान लेके आ गई थी। और अभी हम यहाँ से पीने वाले हैं गन्ने का जूस। कैसा है? कैसा लगा केले के साथ जूस? यूनिक सा है। और हमें ना जाते जाते एक बड़ा सा हनुमान जी का गधा दिखा, बहुत सुंदर लग रहा था, किसी मेटल का होगा। और देखो, ये अभी हम लोग ना राजस्थान में हैं और दो पहाड़ों के बीच से एक रास्ता जा रहा है जो बहुत सुंदर लग रहा है। और ये ना कुछ अलग ही तरीके का पहाड़ था। और यहाँ देखो, एक सूखा पेड़, मुझे लगता है इनको पानी की बहुत ज़रूरत है। और ये साइड में जो पेड़ देख रहे हो ना, इनको भी बहुत पानी की ज़रूरत है क्योंकि ये सब सूख जा रहा था। और यहाँ पे है एक मंदिर, प्राचीन मंदिर है जो हम इनके अंदर गए नहीं क्योंकि थोड़ा सा पहाड़ी इलाका लग रहा था और बाहर बहुत गर्मी है, तो इसलिए हम गए नहीं। तो हमने ऐसे ही दूर से दिखा दिया। और आप लोगों को दिख रहा है ये किस तरीके का पहाड़ है, मतलब इस पहाड़, ये जो पहाड़ है ना, ये ठंडा पहाड़ नहीं है। और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना, अभी माधव को मैं नहलाऊँगी क्योंकि उसको भी सुलाना भी है। जब तक वो नहाएगा नहीं तब तक वो सोएगा नहीं। और यहाँ पे हवा काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन गर्म हवा है। और अभी हम लोगों ने ना कार के टायर में भी पानी दिया है क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम लोग चलेंगे। और गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और देखो, अभी मैंने माधव को भी नहलाया है यहाँ पे, उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि गर्मी है ना, तो इसलिए उसको अच्छा लग रहा है। जब तक वो ना नहाए ना तब तक उसको अच्छा नहीं लगता। और अभी हम लोगों ने लंच ऑर्डर किया है और लंच में है दाल और भात और कुछ नहीं, क्योंकि हम लोगों ने एक एक प्लेट ही मंगवाया है कि देखते हैं कि अच्छा है कि बुरा है। और अभी के लिए बाय बाय।